पुलिस के द्वारा कई बार ऐसे संवेदनशील काम किए जाते हैं जिसकी वजह से लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा शासकीय रानी दुर्गावती अस्पताल पहुंचे और यहां पर इलाज के लिए दाखिल नवजात बच्ची को उन्होंने उपहार स्वरूप खिलौने, कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री भेंट की। यह सामान उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों को दिया और नवजात बच्ची के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने बच्ची का दिव्या नाम रखकर नामांकन संस्कार भी कर दिया और चिकित्सकों और नर्सों की उपस्थिति में यह संस्कार संपन्न किया गया। उन्होंने चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि नवजात बच्ची दिव्या की भरपूर देखभाल की जाए और साथ ही में जरूरत पड़ने पर जबलपुर पुलिस को सूचित किया जाए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने नवजात बच्ची को अस्पताल लाने वाले स्थानीय लोगों और आधारताल थाना पुलिस का आभार भी जताया। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह आधारताल थाना क्षेत्र में तालाब के किनारे नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली थी, जिसे तुरंत अस्पताल लाया गया था और नवजात बच्ची की हालत अब ठीक है और अस्पताल के चिकित्सक और नर्सेज उसकी देखभाल कर रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ बच्ची को यहाँ भर्ती कराया और बच्ची अभी यहाँ स्वस्थ है, अच्छी है। उसी को उपहार स्वरूप आज कुछ टॉयज और कुछ जो उसके कपड़े हैं वो उनको भेंट किए गए और मैं संस्कारधानी वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिससे कि बच्ची जो बच पाई और आधारताल पुलिस ने भी अच्छा काम किया जो उनको बच्ची को तत्काल यहाँ एक्शन लेते हुए भर्ती कराया और बच्ची स्वस्थ। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।